होता है जहाँ कोई नहीं होता। नमस्कार, मैं हूँ चिन्नू चौरसिया और लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया नवेला, ताजा तरीन गर्मा गर्म शो जिसका नाम है चिन्नू की चर्चा। म्यूजिक अभी ठीक है। तो आज के इस पहले शो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के पहले ऐतिहासिक दिन और रात के टेस्ट मैच के बारे में जिसकी स्टार है पिंक बॉल। ये देखिए, पिंक बॉल के बारे में इतनी ज्यादा बातें हो गई हैं कि जिस बंदे ने आज तक गिल्ली डंडा नहीं खेला है वो भी पिंक बॉल को लेकर अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा है। नहीं, यहाँ पर मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। वैसे पिंक बॉल के बारे में ज्यादा बात करने के लिए हमने स्वयं सौरभ दादा को फोन लगाया। सौरभ दादा ने हमें फोन पर बड़े ही प्यार से समझाते हुए कहा, मेरे पास खाली समय नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। वैसे खाली शब्द सुनते ही मेरे जहन में आए हरभजन और मैंने सोचा कि उनको कॉल लगाकर उनसे बात किया जाए, लेकिन कॉल लगाने से ठीक पहले ही मुझे श्री संत का लाल गाल याद आया और प्लान वही ड्रॉप करना पड़ा। देखिए, हमारे कार्यक्रम चुन्नू की चर्चा में हमने लड़कियों से भी पिंक बॉल को लेकर एक्सपर्ट ओपिनियन ली, तो उन्होंने जो बात बताई उनसे हमारी आंखें खुली की खुली और मेरा चश्मा उतरा का उतरा रह गया। उन्होंने बताया कि दरअसल ये पिंक बॉल नहीं है, ये बेबी पिंक बॉल है। खैर, भारत और बांग्लादेश के इस ऐतिहासिक दिन रात के टेस्ट मैच के शुरुआती चार दिन के टिकट्स बिक चुके हैं और भारतीय टीम सबसे ज्यादा प्रेशर में है कि बांग्लादेश कहीं तीन दिन में ही ना हार जाए। वैसे मैच से याद आया कि आज मेरा भी मुकाबला है तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहुंचूंगा नहीं तो मैच शुरू नहीं होगा। यहां पर मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि मेरी इज्जत बहुत ज्यादा है, दरअसल जिस सिक्के से टॉस करना है वो मेरी जेब में है। चलिए, मैं चलता हूँ टॉस करने। चुन्नू की चर्चा का यह पहला एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि पिंक बॉल के अलावा बॉल और किस कलर की हो सकती है, तो कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूँ चुन्नू चौरसिया, नमस्कार। चुन्नू चौरसिया के साथ चिपके रहने के लिए YouTube पर रेडियो सिटी इंडिया को सब्सक्राइब करें और Facebook के लिए रेडियो सिटी इंडिया का पेज लाइक करें।